गाइस, आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं बोगीबील ब्रिज। जी हाँ दोस्तों, ये बोगीबील ब्रिज इंडिया का मतलब 4 नंबर रैंक पे आते हैं। ये बहुत ही लंबा सा ब्रिज है, तो इसको आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये क्या, पुलिस ने हम लोग को रोक लिया। कोई नहीं, देखते हैं। नॉर्मल सा एक चेकिंग है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे फिर जाने देंगे, ऐसा कुछ तो देखते हैं। वो तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दिया हम लोगों ने क्योंकि अलाउ नहीं था, तो कोई नहीं, नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखा और फिर हम लोग को जाने दिया। तो दोस्तों काफी एक्साइटेड हो, तो चलिए बोगीबील ब्रिज में। वाओ, stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. बैक टू माय चैनल, वापस से और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है क्योंकि हम लोग अभी है फिलहाल डिब्रूगढ़। जी हाँ दोस्तों, डिब्रूगढ़ बोगीबील दलंग में। तो यहाँ का जो आसपास का माहौल है बहुत ही खूबसूरत माहौल है और क्या ही बताऊं, है ना, एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं और आप लोग भी इस वीडियो को मतलब एंजॉय कर पाए और यहाँ का माहौल मतलब बहुत ही मजेदार होगा, तो आप सबको दिखाना चाहेंगे एक बार। यहाँ का लुक क्या ही शानदार है, ये देखिए। यहाँ पे है एक रिजॉर्ट, ठीक मेरा उंगली का पास में ही देखिए, है ना, थोड़ा छोटा लग रहा है लेकिन वो रिजॉर्ट है। उसका पास में एक कांचनजंगा की होगी, कांचनजंगा एक जहाज है, कांचनजंगा एक जहाज है जहाँ पे आप लोग मतलब शायद घूम सकते हो, तो घुरा ही ना। तो ये रहा बहुत बड़ा ब्रह्मपुत्र नदी जिसका ऊपर में ये ब्रिज बनाया गया हुआ है, तो इसका बारे में बाद में बात करेंगे, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। तो फिलहाल आपको यहाँ का पूरा मतलब नजारा दिखाते हैं कैसा है। देखिए ये शुरुआत है, जस्ट स्टार्टिंग किया है हम लोग, है ना, मौसम ये देखिए काफी मजेदार। तो चलिए वीडियो में बने रहे शुरू से अंत तक, तो मिलते हैं एंड में। तो दोस्तों काफी खूबसूरत सा एक्सपीरियंस रहा अब तक मेरे लिए कि अभी तो फिलहाल बोगीबील ब्रिज का ऊपर हम लोग जर्नी कर रहे हैं, काफी मजा आ रहा है। तो इसका एंड तक जाएंगे और इसका जो ब्रिज का लेंथ है वो 4.94 किलोमीटर है, आप मान के चलिए 5 किलोमीटर का आसपास है ना। और ये ब्रिज दोस्तों डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट से धेमाजी डिस्ट्रिक्ट को वापस में जोड़ता है, मतलब काफी लंबा है ना, दो डिस्ट्रिक्ट को वापस में जोड़ने का ये ब्रिज काम कर रहा है। तो फिलहाल पहले के जमाने में तो जब मतलब ये ब्रिज नहीं हुआ था, तो जब किसी को भी मतलब डिब्रूगढ़ आना होता है या डिब्रूगढ़ से धेमाजी जाना होता है बाय रोड, तो काफ़ी मतलब बहुत मतलब लंबा एक डिस्टेंस तय करना पड़ता था
और काफ़ी टाइम भी लगता था। तो अभी का फिलहाल ये जो बोगीबिल ब्रिज बन चुका है तो उन लोगों के लिए काफ़ी आसान मतलब हो गया है जर्नी करने के लिए, कि अगर डिब्रूगढ़ से आप धेमाजी जाना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, या धेमाजी से भी सेम प्रोसेस है। तो दो डिस्ट्रिक्ट को वापस में जोड़ते हैं, ये एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये जो ब्रिज है ना महाबोह ब्रह्मपुत्र, जो एक विशाल मतलब नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का ऊपर इसको बनाया गया हुआ है, और वो तमाम इंजीनियरों के लिए मतलब काफ़ी मुश्किल भी रहा होगा शायद। तो जो भी हो मतलब बहुत ही खूबसूरत सा मतलब माहौल है, और आप सबको दिखाएंगे हम लोग जब रिटर्न होके जाएंगे ये ब्रिज का नीचे, तो वहाँ पे आप लोग को दिखाएंगे ये ब्रिज का जो मतलब पूरा ब्रिज में लाइटिंग किया गया हुआ है, जो शाम का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को आप सबको मिलेगा, तो वो भी दिखाएंगे। तो वीडियो में दोस्तों शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिए, तो चलिए आप सबको वो तमाम चीज़ें दिखाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, पूरा एंड तक बने रहिए हमारे साथ। तो आज का ये जर्नी ना बहुत ही मतलब बढ़िया है, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही मतलब खूबसूरत रहा। तो आशा करते हैं आप सब भी इस वीडियो को एंजॉय कर पाए, और वो तमाम यहाँ का आसपास का जो माहौल है वो भी इस वीडियो में आप सब देख सकते हैं। और मतलब शाम का जो नज़ारा है ना वो दोस्तों काफ़ी खूबसूरत है, मतलब अमेजिंग। जब आप एंड में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि है या नहीं अमेजिंग, क्योंकि जो जब ये लाइट जलना शुरू होगा थोड़ा सा शाम का मतलब जब शाम होता है तो जब लाइटिंग होना स्टार्ट होता है वो भाई साहब क्या ही ज़बरदस्त एक लुक मतलब देखने को आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए तो मिलेगा आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन ये भी है, ये ब्रिज ना नीचे से ट्रेन चलती है और ऊपर में ये जो मतलब गाड़ियाँ हैवी व्हीकल ये सब चलता है, मतलब दो पार्ट में इसको बनाया गया हुआ, नीचे से ट्रेन चलती है ऊपर से गाड़ी है ना। आपको क्या ये पहले आपको पता था? नहीं। तो चलिए पूरा दिखाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि इसका ये ब्रिज का जो स्ट्रक्चर है किस तरह से बनाया गया हुआ है। ये जो बोगीबिल ब्रिज है, ये ब्रिज इतना लंबा है कि भारत में इसे नंबर 4 में गिना जाता है, मतलब नंबर 4 में आता है ये ब्रिज।
तो है दोस्तों, फिलहाल तो और थोड़ा दूर जाने का बाद ही ये ब्रिज का एंड पहुंच जाएंगे हम लोग। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एंड तक नहीं चलते हैं और वापस से फिर घूम के जाना होगा हम लोग को, क्योंकि आप लोग का जो ब्रिज का जो इवनिंग का लुक है, जो लाइटिंग वाला लुक रहेगा, तो वो हम लोग का भी रिटर्न जाके फिर दूसरे तरफ से मतलब जाना होगा। तो नीचे से हम लोग जाके आप सबको वो पूरा व्यू दिखाने का कोशिश करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये दूसरा मतलब जो ब्रिज का नीचे का हिस्सा है उस तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों वो टाइम आ चुका है, आप सब तो नज़ारा देख ही रहे हैं। ये देखिए यहाँ का जो ब्रिज का एक अमेजिंग लाइटिंग है वो काफ़ी शानदार है, और ये जो लाइटिंग है ना इसका कलर चेंज होता रहता है, तो आप सबको पूरा देखने को मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए फिलहाल तो आप सब ये ब्रिज का जो लाइटिंग है या ब्रिज का यहाँ का ब्रह्मपुत्र का जो मतलब नज़ारा है इसका लुत्फ़ उठाइए। तो चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। है गाइस, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। तो दोस्तों मिलेंगे इसी तरह का और एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय आए हो।